चीन को लेकर राज्यसभा में हंगामा जारी है। जी हां, चीन को लेकर राज्यसभा में तनातनी, हंगामा जारी है, बवाल जारी। और आज फिर से कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल में तीखी नोकझोंक हुई है। संसद के अंदर चीन को लेकर, चीन पर चर्चा कराने के लिए कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है। उनके तमाम जो नेता हैं वो अभी हमला कर रहे हैं सत्ता पक्ष को लेकर, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है संसद के भीतर। पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला, पीयूष गोयल ने 1962 की जंग का भी जिक्र किया और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और तत्कालीन सरकार को भी घेरने की कोशिश की। तो 1962 के बहाने पीयूष गोयल का कांग्रेस पर निशाना नहीं बल्कि ये डायरेक्ट हमला। देश की रक्षा के लिए जब हम चर्चा चाहते हैं तो इससे बड़ा कोई और रूल नहीं होता। रूल, सभी रूल आप निकाल दे सकते हैं। और इसीलिए हम बार बार आपको, थोड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी, हम हरासमेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन बार बार अपनी बात रखने से आप जरा परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहा हूँ, मैं हैरान हो रहा हूँ। नहीं नहीं, हैरान हो रहा हूँ। तो आपने हमको कहा कि मुझे और लीडर ऑफ द हाउस को अंदर बुलाएंगे, बात करेंगे। बुलाएंगे सर, ये अंदर बात करने का नहीं, ये पूरे दुनिया को मालूम होना, देश को मालूम होना और सारे लोगों को मालूम हुआ जिन्होंने हमको चुन के लाया, उनको सबको मालूम हुआ। ये कमरे में बात करने की नहीं है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये देश की, देश के लिए है। चर्चा जरूरी है, चर्चा करना चाहिए, उसी के लिए हम ठहरे और देश में एकता के लिए हम लड़ेंगे, देश के हिफाजत के लिए लड़ेंगे। हम नौजवानों के साथ, हमारे जवानों के साथ है, हमारे मिलिट्री के साथ है, भारत के लोगों के साथ है। आप हमको अलग मत कीजिए, वो पैट्रियट समझ के उनके तरफ मत देखिए, उससे भी ज्यादा पैट्रियट इधर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, बार बार जो विषय उठा रहे हैं इसके बारे में पहले भी उपसभापति ने काफी विस्तार से बताया कि कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए। देश की रक्षा को लेकर ये संसद में लगातार बवाल और घमासान जारी है। राज्यसभा में नेता विपक्ष किस तरह से, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट, उन्होंने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की और लेकिन सरकार की तरफ से भी, सत्ता पक्ष की तरफ से भी चुन चुन कर जवाब दिया गया है। इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल, वो सरकार में थे जब ऐसे गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा भी नहीं हुई है और क्लैरिफिकेशन भी नहीं किया गया। ऐसे चार इंस्टेंसेस माननीय उस उपसभापति ने पटल पर भी रखे हैं। साथ ही साथ माननीय खड़गे जी बार बार उस विषय के बारे में उजागर कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री ने एक बड़े विस्तार से इन विषयों के बारे में स्टेटमेंट दिए है। हमारे रक्षा मंत्री ने बड़े विस्तार से इस विषय के बारे में स्टेटमेंट दिया। हमने सरकार की तरफ से पूरी चीजें, पूरी जानकारी हाउस में रखी है। विदेश मंत्री ने तो जो सवाल प्रमोद तिवारी जी ने उठाए थे उसका भी जवाब दिया था। मैं समझता हूँ कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जितना ज्यादा यहाँ उजागर होंगे तो फिर याद आएगा कि 1962 में एक उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री ने इसी सदन में कहा था कि ये क्या, उसमें क्या दिक्कत है अगर जम्मू कश्मीर का एक बड़ा इलाका हमारे देश से अलग हो गया। वहां तो एक पीस ऑफ ग्रास भी नहीं, घास भी नहीं उगती है। और इन्हीं के कांग्रेस के माननीय सदस्य ने कहा कि उनके सिर पे एक भी बाल नहीं उगता तो क्या उसको भी काट के चीन को दे देंगे। ये उन्हीं के समय, उन्हीं के प्रधानमंत्री के कहे हुए वक्तव्य का उनके मेंबर ने कहा कि मेरा सर काट के क्या चाइना को दे देंगे। इन्हीं के विदेश मंत्री का वक्तव्य है 38,000 किलोमीटर
बताया कि 38,000 किलोमीटर भूमि आज अवैध कब्जे में है चाइना के, और ये इन्हीं के समय, इन्हीं के कारनामे और इन्हीं के गलतियों के कारण राजीव गांधी फाउंडेशन को 1,35,00,000 रुपए। आपको बता दें चीन ही नहीं बल्कि बिहार वाले बयान पर भी राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, बवाल हुआ, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में सफाई दी है। पीयूष गोयल ने कहा है कि मेरा बिहार के लोगों का अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी। जी हां, पीयूष गोयल के बिहार वाले बयान पर यह हंगामा, और उसके बाद से सफाई भी देनी पड़ी पीयूष गोयल को राज्यसभा में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की सफाई, there is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar, and if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. It was not made with any malice towards anybody at all.